मध्य प्रदेश के सभी दिव्यांग साथियों को नमस्कार, स्नेह सादर अभिवादन। यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो 10-12 साल से छोटा है और वह बच्चा मूक बधिर है और उसके मदर फादर की डेथ हो गई है, तो आप उस बच्चे को मदद कर सकते हैं। जो हमारा आनंद मूक बधिर बच्चों का बालगृह है इंदौर में, उसमें भर्ती कराया जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि माता पिता नहीं होना चाहिए उस मूक बधिर बच्चे का। बच्चा मूक बधिर हो या माता पिता के अलावा, यदि माता पिता बहुत गरीब हैं, उसका लालन पालन नहीं कर सकते, उस मूक बधिर बालक को आप हमारे यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। वो कम आयु का मतलब बालक होना चाहिए और ये बात है कि भाई 18 वर्ष तक हमारे सेंटर में रहेगा और रहना खाना सभी निःशुल्क, शिक्षा दीक्षा सब कुछ रहेगी। आपको मैं आप किसको बात कर सकते हैं इसके लिए, सतीश गौतम जो मूक बधिर हैं उनको आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर हम आपको डाल रहे हैं। ये सतीश गौतम जी हैं, ये अपना नाम बता रहे हैं, ये मूक बधिर हैं, इनको आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। और सतीश गौतम जी का नंबर जैसे हम आपको दे रहे हैं, आप उनको वीडियो कॉल करें, बताएं और ये हमें बता देंगे। और जैसे आप रतलाम के रहने वाले हैं, जबलपुर के रहने वाले हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं, रीवा के रहने वाले हैं, छिंदवाड़ा के, कहीं के भी, मध्य प्रदेश के किसी भी 52 जिलों से कहीं के भी हों, आप जो जैसे सतीश गौतम जी से बात होगी, लेकिन आप हमारे पास सीधे इंदौर बालगृह नहीं आ जाइए। आप यदि रीवा के रहने वाले हैं या जिस भी ज़िले के हैं, वहाँ की बाल कल्याण समिति में जाइए, उनको अपना आवेदन दीजिए, वहाँ से जब अप्रूवल होगा उसके बाद और आपका हेल्थ चेकअप पूरा होने के बाद, मेडिकल होने के बाद, आप हमारे यहाँ रेफ़र कर सकते हैं और रहना खाना शिक्षा दीक्षा सब कुछ निःशुल्क रहेगा। आप सब मूक बधिर बच्चों को, मूक बधिरों के परिवारों में सभी जगह ये बात बता दें, कंडीशन यही है कि मूक बधिर बालक जिसके माता पिता की डेथ हो गई हो, बच्चा छोटा हो, या जो उसके माता पिता जीवन यापन करने में सक्षम नहीं हो, और वह 18 वर्ष तक की आयु तक हमारे यहाँ रहेगा। लेकिन आप ये सोचें कि हमने डाल दिया पढ़ने के लिए, गर्मी की छुट्टी होगी या कोई तीज त्यौहार होगा, जब तक वह 18 वर्ष, कोई छुट्टी नहीं होगी, 18 वर्ष का होने के बाद उसको छोड़ा जाएगा। दिवाली हुई, होली हुई या कोई सा भी फेस्टिवल है तो उस पर हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बाल कल्याण समिति की अनुमति लगती है। आप सब लोगों को हम ये बात बता रहे हैं, हमारा नया बालगृह बन चुका है, ये हमारा आनंद सर्विस सोसाइटी जो मूक बधिर दिव्यांग बच्चों की संस्था भाई संचालित करती है। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।